जय हिंद दोस्तों, आशा करता हूँ सभी मेरे मित्रगण अच्छे होंगे। दरअसल दोस्तों, रशिया के पूर्व राष्ट्रपति द्विवेंद्र मित्रबीन ने भारत को बड़ी चेतावनी दी है कि सबसे बड़ा खतरा तो अभी आना बाकी है। ऐसे में रशिया ने अपने सहयोगी और भागीदार मित्र देशों को खतरे के आने से पहले ही चेतावनियां दी है और हर तरीके से अपनी तैयारियों को मजबूत बनाने की सलाह दी है। दरअसल दोस्तों, रशिया ने चेतावनी दी है और साफ शब्दों में बताया है कि पश्चिमी देश युद्ध को विनाशकारी मोड़ पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और पश्चिमी देशों की ये कोशिश पूरी दुनिया के लिए काफी ज्यादा विनाशकारी साबित होगी। और यहाँ पे बात केवल विनाशकारी युद्ध की नहीं हो रही है, युद्ध होने के बाद जो विनाशकारी संकट आएगा, जो कि समस्त मानव जाति के लिए काफी ज्यादा बड़ी समस्या का विषय बन जाएगा, वो उन देशों के लिए भी काफी बड़ी समस्या बन जाएगा जिन देशों का इस युद्ध से कोई लेना देना ही नहीं है। दरअसल दोस्तों, रशिया ने साफ तौर पर कहा कि यदि परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो यूक्रेन का अस्तित्व तो पल भर में समाप्त हो जाएगा, लेकिन दुनिया भर की आर्थिक और व्यापारिक नीतियां भी ध्वस्त हो जाएंगी। कुछ ही समय में दुनिया भर के शेयर बाजार ध्वस्त हो जाएंगे, एक दूसरे देशों की मुद्राओं में व्यापार करना बंद हो जाएगा, चाहे यूरोप का यूरो हो या फिर अमेरिका का डॉलर, सभी तरीके की मुद्राएं पूरी तरीके से टूट जाएंगी। और ऐसे में मुद्राओं के जोखिम को देखते हुए कोई भी देश किसी भी देश की मुद्रा को स्वीकार नहीं करेगा, जिसके फलस्वरूप दुनिया भर के आयात और निर्यात पूरी तरीके से बंद पड़ जाएंगे। ऐसे में दुनिया के किसी भी देश का कितना भी बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार हो, वो किसी भी काम का नहीं रह जाएगा, चाहे फिर वो विकसित देश हो या फिर विकासशील भारत हो, चाहे फिर वो चाइना। हर किसी देश के आर्थिक उद्देश्य को जो झटका लगेगा, उसकी भरपाई कर पाना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में दुनिया भर में विकास की संभावनाएं पूरी तरीके से रुक जाएंगी और ऐसे समय में केवल भूख मिटाना ही मानव जाति का एकमात्र उद्देश्य बच जाएगा। बाकी रशिया की इस तरीके की भयावह चेतावनी को आप किस नजरिए से देखते हैं, कमेंट्स कर अपने वैल्यूएबल विचार जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।